पीसीसी फ्लोर पर टाइल्स लगाने से पहले वाटर लेवल की मदद से अलग अलग जगहों पर निशान बना लें। मेजरिंग टेप की मदद से इन निशान को एक बार जांच लें। टाइल्स लगने वाली सतह को पानी और वायर ब्रश की मदद से साफ कर लें। टाइल्स लगाने से पहले सतह को पूरी तरह सूखा होने दें। 3 से 3.5 हिस्सा रॉफ न्यू कंस्ट्रक्शन टाइल्स एडहेसिव पाउडर के साथ 1 हिस्सा पानी मिलाएं। हमेशा पानी में पाउडर ऊपर से मिलाएं, ना कि पाउडर में पानी डालें। इसे अच्छे से मिलाकर एक समान पेस्ट बनाएं। इसे भारी मात्रा में तैयार करने के लिए इलेक्ट्रिक ड्रिल मिक्सर का प्रयोग करें। हमेशा उतनी ही मात्रा बनाएं जितनी आप 60 से 90 मिनट के पॉट लाइफ में खत्म कर सकें। मिक्सचर की सही अनुकूलता तब मिलती है जब वो एक समान हो और ट्रॉवल से उठाने के बाद वो धीमे से नीचे गिरे। इस मिक्सचर को 5 मिनट तक यूं ही रहने दे। एडहेसिव को दातुनी ट्रॉवल के पिछले हिस्से से सही मोटाई में एक समान फैलाएं। अब इस पर 10 मिलीमीटर के दांत वाला ट्रॉवल प्रयोग करें। हमेशा एडहेसिव की उतनी ही मात्रा को इस्तेमाल में ले जितनी आप 10 से 15 मिनट में खत्म कर सके। अब एडहेसिव पर टाइल्स या स्टोन लगाना शुरू करें। उन्हें हल्के से ठोके, थोड़ा घुमाएं और उनके अपनी सही जगह पर लगाएं, ताकि एडहेसिव टाइल्स के पीछे एक समान फैले और अंदर कोई हवा ना रहे। टाइल्स को साफ कर 24 घंटों के लिए उन्हें जमने के लिए छोड़ दें। टाइल्स लगाने से पहले वाटर लेवल की मदद से अलग अलग जगहों पर निशान बना लें। टाइल्स लगने वाले सतह को साफ पानी से ठीक से साफ कर लें। वायर ब्रश की मदद से सतह से धूल, ग्रीस या ऑयल साफ कर लें। टाइल्स लगाने से पहले सतह को पूरी तरह सूखा होने दें। जगह के सही इस्तेमाल के लिए सतह को उबड़ खाबड़ नहीं बल्कि एक समान रखें। 3 से 3.5 हिस्सा रॉफ न्यू कंस्ट्रक्शन टाइल्स एडहेसिव पाउडर के साथ 1 हिस्सा पानी मिलाएं। इसे अच्छे से मिलाकर एक समान पेस्ट बनाएं। अगर भारी मात्रा में तैयार करना है तो इलेक्ट्रिक ड्रिल मिक्सर का प्रयोग करें। हमेशा उतनी ही मात्रा बनाएं जितनी आप 60 से 90 मिनट के पॉट लाइफ में खत्म कर सकें। पॉट लाइफ वो समय होता है जिसमें तैयार किया मिक्सचर अपनी कार्य क्षमता बनाए रखता है। मिक्सचर की सही अनुकूलता तब मिलती है जब वो एक समान हो और ट्रॉवल से उठाने के बाद वो धीमे से नीचे गिरे। इस मिक्सचर को 5 मिनट तक यूं ही रहने दें। एडहेसिव को दातुनी ट्रॉवल के पिछले हिस्से से सही मोटाई में एक समान फैलाएं। टाइल्स लगने वाले सतह को पानी से साफ कर लें। वायर ब्रश की मदद से सतह से धूल, ग्रीस या ऑयल साफ कर लें। टाइल्स लगाने से पहले सतह को पूरी तरह सूखा होने दें। जगह के सही इस्तेमाल के लिए सतह को उबड़ खाबड़ नहीं बल्कि एक समान रखें। 3 से 3.5 हिस्सा रॉफ न्यू कंस्ट्रक्शन टाइल्स एडहेसिव पाउडर के साथ 1 हिस्सा पानी मिलाएं। हमेशा पानी में पाउडर ऊपर से मिलाएं, ना कि पाउडर में पानी डालें। इसे अच्छे से मिलाकर एक समान पेस्ट बनाएं। मिक्सचर की सही अनुकूलता तब मिलती है जब वो एक समान हो और ट्रॉवल से उठाने के बाद वो धीमे से नीचे गिरे। इस मिक्सचर को 5 मिनट तक यूं ही रहने दे। एडहेसिव को दातुनी ट्रॉवल के पिछले हिस्से से सही मोटाई में एक समान फैलाएं। हमेशा उतनी ही मात्रा में एडहेसिव पेस्ट बनाएं जितनी आप 10 से 15 मिनट में टाइल्स लगाने में इस्तेमाल कर सकें।
क्योंकि इस एडहेसिव की कार्यक्षमता 10 से 15 मिनट तक ही बनी रह सकती है। अब इस पर 6 मिलीमीटर के दांत वाला ट्रॉवेल प्रयोग करें। अब एडहेसिव पर टाइल्स लगाना शुरू करें। उन्हें हल्के से ठोके, थोड़ा घुमाए और उनकी अपनी सही जगह पर लगाएं ताकि एडहेसिव टाइल्स के पीछे एक समान फैले और अंदर कोई हवा ना रहे। दो टाइल्स के बीच में सही अंतर रखें। पेस्ट ना सूखे इसलिए उसकी स्थिति लगातार जांचते रहें और टाइल्स लगाने का काम जारी रखें। टाइल्स को साफ करें और उन्हें सूखने के लिए 24 घंटों का समय दें। अगले दिन टाइल्स के जॉइंट्स को भरने के लिए रॉफ रेनबो टाइल्स मेट एपॉक्सी का इस्तेमाल करें।